देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराज हो गए। मीटिंग के दौरान ही उन्होंने केजरीवाल के लिए कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। पीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तोड़ा है। पीएम की इस फटकार से सीएम सकते में आ गए और उन्होंने तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर द्विवेदी और आप देख रहे हैं gangatimes.com। मुख्यमंत्रियों की इस बैठक के दौरान जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बात बताने लगे तो उन्होंने आम जनता के लिए इसे लाइव कर दिया। इसकी खबर पीएम मोदी को तुरंत लग गई और केजरीवाल के बोलने के बीच में ही उन्होंने कहा कि ऐसी निजी बातचीत का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने सीएम केजरीवाल को टोकते हुए यह कहा कि यह हमारी जो परंपरा है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, यह उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। यह उचित नहीं है, हमें हमेशा से संयम का पालन करना चाहिए। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गलती मानी और कहा, ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया या फिर मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़े ही सहज भाव के साथ पीएम से यह कहा कि हमें एक देश की तरह सारे राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर कोरोना की महामारी से लड़ना होगा। ट्विटर पर पोस्ट किए गए अपने एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर हम एक दूसरे राज्यों में जाने वाले ऑक्सीजन पर रोक लगाने लगेंगे तो ये सही बात नहीं है। हम सभी को एक होकर अपने लोगों को बचाना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को सेना के हवाले कर देने का सुझाव भी दिया, जिससे कि ऑक्सीजन के आवाजाही में कोई भी दिक्कत ना आए। अब बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या केजरीवाल ने वाकई में कोई गलती की? भाजपा के आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि मीटिंग से पहले उन्हें कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था कि लाइव नहीं करना है। अब राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, लोग तो सवाल कर ही रहे हैं कि क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमने जिन्हें चुना है वो क्या बातें कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, और मुख्यमंत्रियों के बीच की बातें लाइव जनता के सामने नहीं आनी चाहिए? क्योंकि ये बातें तो ऐसी भी नहीं होती जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़ी हों। क्या विदेश नीति और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बैठकों को छोड़कर बाकी सभी मीटिंग्स का प्रसारण आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए? आखिर हम तो एक लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं और लोकतंत्र में जनता ही तो मालिक होती है। इन सभी सवालों के साथ हम आपको यहाँ पर छोड़े जाते हैं। अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चूँकि देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाइए। और यदि आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।